हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। तो गाइस, लक रॉयल में एक नया स्पिन रॉयल आ चुका है जिसका नाम है लेगेसी रिटर्न्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नया स्पिन रॉयल आ चुका है और इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है गाइस, इसके अंदर मिल रहा है आपको आर्कटिक ब्लू बंडल, तो ये वाला बंडल मिल रहा है गाइस। और इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें मिल रही है आपको, ये बैकपैक मिल रहा है, काफ़ी सारे स्केटबोर्ड मिल रहे हैं और काफ़ी सारे बैकपैक मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्रेट्स वगैरह मिल रही है और काफ़ी सारे बंडल्स और नए नए बैकपैक, नई नई इनके पीसीस मिल रहे हैं इस अलग अलग बंडल के, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपके पास नहीं होंगी और मेरे को तो आप देख सकते हो गाइस, मेरे पास इनमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं है और शायद आपके पास भी ना हो। तो इसके अंदर मैं स्पिन करने वाला हूँ गाइस, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ट्रिक्स यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि नोब ट्रिक्स। तो मैं अपने प्लेयर को बिल्कुल नोब बना दूंगा। तो करेक्टर मैंने ले लिया है मंकी किंग और यहाँ से मैंने सारे इमोट्स अनइक्विप कर दिए और मैं सारी चीज़ें अनइक्विप कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने वेपन्स भी सारे अनइक्विप कर दिए हैं, आप देख सकते हो। उसके अलावा मैं बाकी सारी चीज़ें अनइक्विप कर दूंगा। तो ये हो गया पैराशूट और ये हो गया लूट बॉक्स और ये हो गया हमारा बैकपैक और ये हो गया हमारा अवतार और इसके बाद ये हो गया हमारा बैनर। और गेम रिस्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ वाउचर भी बाय करने वाला हूँ, तो टोटल 7 वाउचर बाय कर सकता हूँ मेरे पास जितने फ्री फायर टोकन है। तो मैंने 7 वाउचर बाय कर लिया और डायमंड रॉयल वाउचर से भी आप स्पिन कर सकते हो इस लकी रॉयल के अंदर। तो मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा गेम को 12:30 बजे और फिर इसके अंदर स्पिन करने वाले हैं हम। तो मेरे पास 13 वाउचर हो गए, तो पहले मैं 16-16 के 3 स्पिन करूँगा और फिर 10 वाला स्पिन करूँगा। इसमें अच्छी बात यह है कि इसके अंदर बोनस रिवॉर्ड भी हमको मिलने वाले हैं, तो उनसे भी कुछ डायमंड रॉयल वाउचर मिलेंगे, तो उनसे भी हम स्पिन करने वाले हैं। तो चलिए गेम को यहाँ पर क्विट करते हैं और 12:30 बजे इसको रिस्टार्ट करेंगे। गेम हो चुके है रिस्टार्ट और हम स्पिन करने वाले हैं गाइस अपने आर्कटिक ब्लू बंडल के लिए, लेकिन उससे पहले हम वीकली मेंबरशिप क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लेम पे क्लिक कर दिया और ये अब थोड़ी देर में क्लेम हो जाएगी। तो वीकली मेंबरशिप क्लेम हो चुकी है, अब एक गोल्ड रॉयल में स्पिन करेंगे सोलो का और उसके बाद स्पिन करेंगे गाइस हम लेगेसी रिटर्न्स में। तो यहाँ पर ये सोलो का स्पिन हो चुका है, इसके अंदर जो भी निकला उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर डायमंड रॉयल से हम शुरुआत में 3 स्पिन करने वाले हैं सोलो सोलो के, फिर एक 10+1 वाला स्पिन करेंगे। तो शुरुआत के स्पिन में हमको मिला है मंकी किंग के 150 फ्रेगमेंट, अच्छी बात है। अब सेकंड वाला स्पिन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ओ गोल्डन बॉक्स, ये क्या, ओ माई गुड दिस ट्रिक वर्क्स भाई, मतलब आई एम ग्रेट गाइस, आई एम ग्रेट यार, मेरी ट्रिक्स वर्क करती है गाइस। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई है वो यूज़ करिए, हो सकता है आपका भी निकल जाए। तो हमारा तो सेकंड स्पिन में ही निकल गया, मज़ा आया। तो आप भी गाइस इस ट्रिक को यूज़ करिए, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्पेशल एडोब भी बाय करा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको ये 2 स्पिन में ही मिल गया गाइस। और चलिए इसको यहाँ पर 1x पे हमने क्लिक कर लिया, ओके टोकन आ चुके हमारे फ्री। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैजिक क्यूब भी है, तो अभी मैं और स्पिन करने वाला हूँ इसके अंदर। तो जितने भी वाउचर है सारे अभी हम ख़त्म करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर अब हमारा कैंसर हो चुका है, अब 10 वाला स्पिन करने वाले हैं गाइस इसके अंदर और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें निकलेगी। और देखते हैं यहाँ पर अभी हमारा नॉर्मल बॉक्स निकला है, ओके तो कुछ परमानेंट चीज़ें निकली गाइस, एक के बाद एक परमानेंट चीज़ें निकल रही जो मेरे पास पहले से नहीं है। वाओ, मतलब टोटल 6 परमानेंट चीज़ें मिली है मेरे को जो पहले से नहीं थी मेरे पास। और तो यहाँ पर फ्रेगमेंट भी मेरे को 150 की मिली है, काफ़ी अच्छी स्पिन में चीज़ें मिल रही है गाइस। तो यही ट्रिक है गाइस, आपको भी यही ट्रिक यूज़ करनी है, नो ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी है, तभी 2 हमको और स्पिन मिलेंगे, तो वो भी कर लेते हैं। इसके बाद एक डायमंड से स्पिन करेंगे, उसमें भी देखेंगे क्या निकलेगा। तो यहाँ पर अब हमको एक चीज़ वही मिली जो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ये अब हमारा 14th स्पिन होने वाला है और इसमें देखते क्या निकलता है। गोल्ड कार्ड निकला है, अब एक 60 डायमंड वाला स्पिन करने वाले हैं और ये आखिरी स्पिन होगा हमारा, तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा निकला है बेस बॉलर्स के शूज, बहुत हार्ड। तो अब चीज़ें दिखा देते हैं गाइस क्या क्या आई है। तो सबसे पहले एक पैराशूट यहाँ पर नया दिखा रहा है, तो ये वाला पैराशूट आया है इसके अंदर, इक्विप कर लेते हैं इसको अभी। और सर्फबोर्ड भी एक नया आया, ये वाला सर्फबोर्ड आया, तो सर्फबोर्ड इतना खास तो नहीं है, लेकिन चलिए अब वोल्ट में देखते हैं गाइस क्या क्या चीज़ें नई आई है। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, ये पूरा बंडल आ चुका है हमारा और इसको फास्ट इक्विप करके देखते हैं गाइस। ये देखिए आर्कटिक ब्लू बंडल, इसके अलावा गाइस यहाँ पर सोल्जर कैप भी है, यहाँ पर ये किलर बी वाली कैप भी है, और फिर यहाँ पर बात करी जाए तो ये सी का मास्क है आर्कटिक का, और ये देखिए ये शर्ट आई है नई, और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी पैंट्स में देखिए तो ये वाली पैंट आई है, और शूज़ में देखा जाए तो शूज़ काफ़ी सारे मिले हमको, और चलिए एक लेडी का शूज़ भी मिला है।
इसके अलावा यहाँ पर हमको फ्रेगमेंट क्रेट भी मिली है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमको सिर्फ 30 फ्रेगमेंट मिली है। इसके अलावा हमको गोल्ड कार्ड मिला है और अदर्स में फ्री फायर टोकन मिले हैं। तो आप भी गाइस मेरी ट्रिक्स यूज़ करिए और देखिए आपका परमानेंट बंडल निकलता है नहीं निकलता है। और अगर आपका निकल जाएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नहीं निकलेगा तो भी अपना दुख दर्द मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो को एंड तक देखेंगे गाइस आपको ज़ोरदार क्लैपिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही काम की वीडियो सबसे पहले दे सको। ओके गाइस, बाय बाय।